अच्छे रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा टीम वर्क। एक कपल को टीम की तरह काम करना पड़ता है, कितने सारे काम साथ में होते हैं, बहुत सारे जॉइंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कहाँ पे रहना है, घर में क्या क्या आएगा, खाने में क्या बनेगा, जॉइंट टाइम कैसे स्पेंड करना है, कौन से दोस्त के घर जाना है, कौन से के नहीं जाना, हमारी डोरबेल कितनी लाउड होनी चाहिए, एटसेट्रा। और जितने अच्छे डिसीजंस होंगे लाइफ उतनी अच्छी। पर बहुत से कपल्स वो डिसीजंस की डिस्कशन में ही लड़ पड़ते हैं। सुन, मैं ना लिविंग रूम में ब्राउन कलर का सोफा लगाऊंगी। ब्राउन कोई कलर थोड़ी है यार, ब्राउन नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब? मुझे चाहिए। डाइनिंग टेबल तू अपनी मर्जी से लाया था ना, किसी को पसंद नहीं आई। सोफा तो मैं ही लाऊंगी, मैं लाने नहीं दूंगा। तू रोक के दिखाना, तू अगर ब्राउन सोफा ले आई ना मैं कबाड़ में बेच दूंगा। बेच के दिखा, तू खुद क्यों नहीं चला जाता कबाड़ में? हाँ, तेरे ब्राउन सोफे पे बैठने से अच्छा कबाड़ में बैठ जाऊंगा मैं। एक सोफा लेना था बट एक दूसरे की इज्जत ले बैठे। आज मैं एक बहुत बड़ी गलती बताऊंगा जो लोग अक्सर जॉइंट डिसीजन मेकिंग में कर बैठते हैं, और वो गलती है टू मच फोर्स और स्ट्रेंथ। लोग अपने पार्टनर के सामने ऐसे डिसीजन अनाउंस करते हैं जैसे सीईओ अपने एम्प्लॉइज से बात कर रहा हो, हम यहाँ ब्राउन कलर का सोफा लगाएंगे। और पार्टनर ये सुन के, तुमने डिसीजन भी ले लिया, मुझसे पूछा ही नहीं, मैं यहाँ पागल हूँ जो इस घर को आधा समझ के बैठा हूँ या बैठी हूँ? बचपन में पेरेंट्स डिसीजन सुनाते थे, अब पार्टनर सुना रहा है, मेरी आधी जिंदगी निकल गई, मेरा नंबर ही नहीं आ रहा। और ये अगर फोर्स और ये जो स्ट्रेंथ है ये डिसीजन मेकिंग में, ये तुम ज़्यादा लंबा चलाओ तो फिर क्या होता है, पार्टनर तुम्हें कभी कभी छोटी छोटी बातों में भी अपोज करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे भी घर में जगह बनानी है। सुनो, आज बाजार से गोभी ले आना। मैं तो आलू ही लाऊंगा, गोभी लानी है तो खुद ले आ। एंड यू लाइक, इसे क्या हुआ? इसे हुआ कुछ नहीं, इसे बस तुम्हारे ऑर्डर देने वाली टोन पसंद नहीं आई, और इसे मना करके दिखाना था कि मैं ऑर्डर नहीं लेता या नहीं लेती। तो एक सिंपल सॉल्यूशन है, जब भी तुम्हें कुछ चाहिए या कोई डिसीजन में तुम्हें अपनी साइड बतानी है, यूज द सिंपल फॉर्मूला, मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए, तुम क्या सोचते हो? मुझे ये चाहिए, तुम क्या सोचते हो? अपनी बात को लाइटली बोलो और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाओ सामने वाले की पोजीशन के लिए। जॉइंट डिसीजंस या डिसीजंस जिनसे तुम्हारा पार्टनर अफेक्ट होता है, उनमें तुम्हें अपनी बात ऐसे बोलनी होगी जैसे यू आर जस्ट द 50% ऑफ द इक्वेशन, और तुम 50% ही हो, बाकी 50% सामने वाले के हाथ में है। अब तुम्हें लग सकता है कि यार मेरे पार्टनर के हाथ में 50% छोड़ दिया, वो तो कभी मानेगा ही नहीं या मानेगी नहीं। वेल, दुनिया में होते हैं 15% लोग जो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपना सोचते हैं, बट मेजॉरिटी लोग पहली बात ऐसे नहीं होते। तुम अगर अच्छे से बोलोगे वो सुनेंगे, कंसिडर करेंगे। तो इसको घुमा के खुद पे लेके सोचो ना कि अगर तुम दूसरों से कैसी टोन सुनना चाहते हो, मतलब अगर किसी इंसान को तुमसे कोई बात मनवानी हो तो उसे कैसे बात करनी चाहिए, फोर्सफुली या ईजी गोइंग तरीके से, लाइटली, टेंटेटिवली। फोर्सफुल किसी को पसंद नहीं है, और तुम्हारा पार्टनर भी वैसा ही है, और टेक्निकली तुम्हारा पार्टनर नार्सिसिस्टिक भी है, तो भी तुम्हारे सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं अगर तुम आराम से बात करो, क्योंकि नार्सिसिस्टिक लोगों का ईगो तो और भी ज्यादा डेलिकेट है। तो ऑल इन ऑल, अगर तुम ज्यादा जोर जबरदस्ती से कोई बात करते हो, ज्यादा स्ट्रांगली बात करते हो, तुम्हारा खुद का पर्पज ही डिफीट होता है, वो बैकफायर ही होता है ना, तुम्हारा पार्टनर बात मानता और ऊपर से झगड़ा और हो जाता है। तो अब ये फोर्सफुल डोमिनेटिंग अप्रोच से ये लाइट ईजी गोइंग अप्रोच पे आना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो याद रखोगे तो ये ट्रांजिशन कर पाओगे। पहले याद रखो कि तुम्हारे डिसीजंस बेस्ट नहीं होते। तुम्हें उस समय लग रहा होगा कि अरे यही तो लॉजिकल है, यही बेस्ट है, यही होना चाहिए, पर याद रखो अपनी पास्ट गलतियों को। बहुत बार जब तुम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट हुए थे तब भी तुम्हारे डिसीजंस गलत निकले थे। सेकंड, एक फंडामेंटल पॉइंट, सामने वाले का इक्वल स्टेटस है, उनकी इच्छाएं तुम्हारी इच्छाओं जैसे ही इंपॉर्टेंट है, तो जितना स्पेस तुम्हें चाहिए उतना स्पेस उन्हें देना पड़ेगा। तीसरा, जैसे तुम्हें लगता है कि अरे यार मेरे आइडियाज बहुत अच्छे हैं, सामने वाले को भी यही लगता है कि उनके आइडियाज बहुत ही अच्छे हैं। तुम अपने आप को तुर्रम खान समझते हो, वो अपने आप को तीस मार खान। तो अगर खुद के डिसीजंस के लिए रिस्पेक्ट चाहिए तो रिस्पेक्ट देनी तो पड़ेगी ही। तुम्हारे डिसीजंस जेन्युइनली बेटर हो भी सकते हैं, तो भी प्रोसेस यही है कि डिस्कशन के दौरान सामने वाले की ओपिनियंस को, उनके आइडियाज को रिस्पेक्ट तो देनी होगी। चौथा, एक बेसिक बात जो हम बच्चों को बताते हैं, जो आपके दिल में आ गया, जो आपको चाहिए, सब कुछ नहीं मिल सकता, कुछ बातें छोड़नी पड़ेंगी। तो याद रखो, जब तुम किसी इंसान के साथ हो, चाहे तुम दुनिया से डील कर रहे हो, अपनी कुछ डिजायर्स को लेट गो करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले ही प्रिपेयर्ड रहो, ताकि सामने वाला अगर तुम्हारी बात ना माने तो ज्यादा गुस्सा ना आए, और अगर तुम पहले से ही छोड़ने के लिए प्रिपेयर्ड हो तो तुम लाइटली भी बोल पाओगे। एंड फाइनली, सबसे बड़ी बात कि सभी के अंदर एक नीड होती है टू हैव कंट्रोल, चीजें हमारे हिसाब से चले, बिकॉज यू फील मोर सिक्योर देयर। और कुछ लोगों में एक कंट्रोल की नीड बहुत ज्यादा होती है। जब तुम एक एक चीज को आसपास कंट्रोल करते हो तो तुम सामने वाले को एक आउटसाइडर या इन्फीरियर फील कराते हो। इन जनरल तुम्हें अपनी इस नीड टू कंट्रोल थिंग्स अराउंड यू, इसको कम करना होगा। एक्चुअली लाइफ में बहुत ज्यादा कंट्रोल की जरूरत नहीं है। तुमने जो अपने घर की चीजों पर कंट्रोल कर रखा है, उसे आधा भी कर दोगे ना तो भी आराम से जिंदा रहोगे। तो थोड़ा कंट्रोल
दूसरों को भी दो। इस टॉपिक पर इतना ही, बाकी कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो बस अटक जाते हैं, सॉल्व ही नहीं होते। तो मैं सजेस्ट करूंगा थेरेपी या कपल थेरेपी को अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बनाओ। अपनी खुशी के लिए अगर हर संडे डिनर पे जा सकते हो तो सैटरडे को एक घंटा थेरेपिस्ट से भी बात कर सकते हो। ये थेरेपी को अपने माइंड की और रिलेशनशिप की रेगुलर सर्विसिंग की तरह देखो। अब तो पूरी दुनिया में मिलियंस ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू थेरेपी एंड दे आर लविंग इट। डोंट मिस आउट ऑन दिस यूनिक एक्सपीरियंस। श्रीधर लाइफ स्कूल इज अ टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट्स हु स्पेशलाइज इन काउंसलिंग। वी ऑफर वन ऑन वन काउंसलिंग फॉर इंडिविजुअल्स, कपल्स, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। टू बुक सेशंस गो टू आवर वेबसाइट श्रीधरलाइफस्कूल.com।